हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग माय पैशन चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, गार्डन में वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये मेरा अक्षय पात्र है, यानी कि कभी भी न ख़त्म होने वाला सोर्स है ये। अभी ऊपर देखिए, यहाँ जो भी गार्डन की पत्तियाँ है वो यहाँ जाएंगी, यानी पत्तियों का भी खाद तैयार होगा और वर्मी कंपोस्ट देखिए ये रेडी है। जैसे मुझे लगेगा वैसे वर्मी कंपोस्ट मैं यहाँ से ले सकती हूँ और नया वर्मी कंपोस्ट फिर भी रेडी होता रहेगा। इसी तरह हम अपने नेचर से बहुत कुछ पा सकते हैं। ये सब मैं टेरेस गार्डन के लिए यूज़ करती हूँ। और यहाँ जो है नीचे बहुत सारी पत्तियाँ रहती हैं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये पत्तियों की खाद भी यहाँ बनती रहेगी, वैसे ही वर्मी कंपोस्ट बनता रहेगा। बहुत सारा तो यहाँ कलेक्ट हुआ है और यहाँ से भी बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट निकल जाएगा। और बहुत सारा मैंने तो बोरियों में भर लिया है। ऐसे आप भी वर्मी कंपोस्ट रेगुलरली प्रोड्यूस कर सकते हो और अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हो। आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और पंछियों के लिए बैठने के लिए ये जो बड़ा पेड़ गिर गया था वो ऐसा ही रखा है। यहाँ बहुत सारे पंछी आते हैं। ये पूरा साग प्लांटेशन है, टीक प्लांटेशन है। बादाम का ट्री है। चलो साथियों, पेड़ लगाते रहो और खुश रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स।